भारतीय जनता पार्टी की विधायक प्रवास योजना में बीकानेर पश्चिम में उत्तर प्रदेश की गढ़मुक्तेश्वर सीट से विधायक हरेंद्र सिंह तेवतिया रहे बीकानेर प्रवास पर, जहां उन्होंने कहा कि भाजपा जिताऊ और टिकाऊ के साथ साथ पार्टी के लिए समर्पित होकर काम करने वालों को पार्टी टिकट देगी। ऐसा कार्यकर्ता जो पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ लोगों के बीच रहता है, इस दौरान उन्होंने बूथ स्तर पर बैठकें भी ली, आमजन से भी मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी के हाई कमान की तरफ से हर जगह विधायक भेजे गए थे वहाँ का देखने के लिए भी क्या माहौल है, किस तरीके से पार्टी के कार्यकर्ताओं से सबसे मीटिंग करने के लिए, मंडलों में मीटिंग करने के लिए सब ये मीटिंगें किए। और उसका बीकानेर में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कठुमर विधानसभा क्षेत्र इन दोनों चुनावी रंग में रंगने लग गया है। भावी विधायक पद के प्रत्याशी अपने अपने तौर तरीकों से शक्ति प्रदर्शन में जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व द्वारा नियुक्त प्रवासी विधायक जो कि विधानसभा क्षेत्र में जाकर लोगों के मन टटोलने के लिए आए हैं, उनके सामने टिकट चाहने वाले उम्मीदवारों ने रिझाने के तौर तरीके आजमाना शुरू कर दिया है। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से लगाए गए प्रवासी विधायक अनिल पराशर के 7 दिन के प्रवास के समापन पर भाजपा के टिकट चाहने वाले प्रत्याशियों ने अपने अपने तरीके से शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान एक सभा का भी आयोजन किया जिसमें विधायक अनिल पराशर ने पार्टी नेतृत्व द्वारा विजेता उम्मीदवार का सर्वे कर टिकट देने की बात कही। रियाबड़ी उपखंड के ग्राम थावला के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अचानक बरामदी के करीब 25 से 30 पट्टियां टूटने के साथ ही हल्का मलबा भी गिरा, जिसमें अस्पताल में हड़कंप मच गया। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर प्रकाश चौधरी ने बताया कि अचानक हुई तेज बारिश के बाद बाहर जाकर देखा तो पट्टियां टूटी हुई मिली और मलबा नीचे लटक रहा था। मरीजों को तुरंत समझाइश करते हुए हालातों से रूबरू करवाकर कमरे को खाली करवाया गया। अब बड़ा सवाल यह है कि ऐसे में संबंधित विभाग के अधिकारी और सरकार जल्द ही सड़क पर मंडरा रहे खतरे को देखते हुए समाधान करेंगे या किसी बड़े हादसे का इंतजार करेंगे। स्थानीय रेलवे ग्राउंड में सीनियर राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का आगाज बीएसएफ के डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह व महापौर सुशीला कुंवर राजपुरोहित ने तीर चलाकर प्रतियोगिता का आगाज किया। इस मौके पर राज्य तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष, आयोजन कमेटी के अध्यक्ष सुनील चमड़िया, भारतीय तीरंदाजी टीम के प्रशिक्षक अनिल जोशी भी मौजूद रहे। जोशी ने बताया कि 3 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर से 500 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी पत्नी के साथ झुंझुनू दौरे पर रहे। लोहारगल पहुंचने पर पुलिस के जवानों द्वारा उनका गार्ड ऑफ ऑनर देकर स्वागत किया गया। उपराष्ट्रपति लोहारगल के सूर्य मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर पुजारी एवं प्रबंधकों द्वारा साल ओढ़ाकर उनको प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। झुंझुनू जिले में अपने कार्यक्रमों के बाद उपराष्ट्रपति जयपुर के लिए रवाना हो गए। दातारामगढ़ के उमाड़ा गांव में स्थित नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का विधायक वीरेंद्र सिंह ने लोकार्पण किया। इस मौके पर पीएससी भवन की भूमि दान देने भामाशाह दयाल सिंह शेखावत के परिवार का साफा व माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर विधायक वीरेंद्र सिंह ने कहा कि इस बार क्षेत्र में बहुत विकास करवाए गए हैं, माकपा व भाजपा ने हमेशा विकास कार्य में बाधा उत्पन्न की है। वहीं लोकार्पण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। अलवर सांसद महंत बालकनाथ योगी राजसमंद जिले के भीम देवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर है। इस दौरान भीम पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक हरि सिंह रावत के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने महंत योगी का स्वागत किया। वहीं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सांसद महंत बालकनाथ योगी राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान बालकनाथ का एक विवादित बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने सीएम हाउस को फतवा हाउस कह दिया। तो वहीं उन्होंने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करती है और आने वाले समय में राजस्थान के अंदर धर्म का शासन होगा। कोटा शहर में कोचिंग छात्रों का सुसाइड करने का सिलसिला लगातार जारी है। रविवार को एक बार फिर कोचिंग छात्र ने हॉस्टल की छठी मंडल से कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक छात्र आविष्कार महाराष्ट्र का रहने वाला है। घटना की जानकारी मिलते ही पूरा जिला प्रशासन मौके पर पहुंच गया। मृतक कोचिंग छात्र के शव को मोर्चरी में शिफ्ट करवाया गया है। वहीं परिजनों को सूचना दी गई है। आविष्कार नाम का लड़का है, जिसकी एज 16 साल 11 महीने है। यहाँ नीट की तैयारी कर रहा था, साथ साथ 12th में पढ़ रहा था। इसके रहने वाला अहमदनगर महाराष्ट्र का है। नाना नानी साथ रहते हैं तलवंडी में। फिर ऐसे आज इसका एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम 3:20 पर ओवर होना था। 5 मिनट पहले क्लास रूम से निकला है, छठी मंजिल पर जाकर नीचे छलांग लगा ली। इसको वहाँ ले गए हॉस्पिटल में, डेड घोषित कर दिया। आगे पेरेंट्स को सूचित कर दिया है माँ बाप को। अवैध शराब के खिलाफ शनिवार देर शाम रतनपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 30 लाख रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब बरामद कर आरोपी वाहन चालक व खलासी को गिरफ्तार कर लिया। बिछवाड़ा थाना अधिकारी मदनलाल खटक ने बताया कि अवैध कार्रवाईओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मुखबिर सूचना के आधार पर NH-48 पर राजस्थान गुजरात बॉर्डर पर रतनपुर चौकी पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान उदयपुर की तरफ बंद कंटेनर ट्रक को रोककर तलाशी के दौरान स्पीकर और एसर के कार्टून के नीचे अवैध शराब पाई गई। पूछताछ में कंटेनर चालक ने शराब हरियाणा से लेकर गुजरात पहुंचाने की बात कही। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय श्री कुंदन जी कंवरिया द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान शराब तस्करी के रोकथाम के तहत आज थाना बिछीवाड़ा द्वारा भर्ताधिकारी श्री तपेंद्र जी मीणा के निकटतम सुपरविजन में रतनपुर बॉर्डर पहुँच नाकाबंदी शुरू की गई। दौरान नाकाबंदी मुख्यमंत्री की सूचना अनुसार एक कंटेनर बंद बोटी उदयपुर की तरफ से है, जिसे रोक कर चालक व सह चालक बैठे हुए थे, जिनका नाम पता पूछा तो राजेंद्र सिंह चौहान व सुनील सेन उन्होंने बताया। हर दोनों को कंटेनर के अंदर क्या भरा हुआ पूछा तो दोनों ने बताया कि इसमें साउंड व एक्सेसरीज भरी हुई है। चूंकि मुखबिर खास की सूचना विश्वसनीय होने से बंद बॉडी कंटेनर सील्ड शुदा, जिससे सील तोड़कर
खोल कर चेक किया गया तो साउंड वे एसेसरीज के नीचे पंजाब निर्मित अंग्रेजी शराब पाई गई, जिस बाबत लाइसेंस व अनुज्ञा पत्र के बारे में पूछा तो चालक व सहचालक राजेंद्र सिंह व सुनील सेन ने कोई वैध अनुज्ञा पत्र व लाइसेंस नहीं होना बताया, जो कि आबकारी अधिनियम के तहत अपराध घटित होना पाए जाने से हर दोनों को डिटेन कर कंटेनर में भरी शराब को खाली कर चेक किया, गिनती की गई तो 396 पंजाब निर्मित विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी शराब पाई गई। महिला समानता दिवस के उपलक्ष्य में साक्सू विधानसभा स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष उमा शर्मा के आतिथ्य में कार्यक्रम के एम्बेसडर समाज सेविका वर्षा रमन ने नारी शक्ति का सम्मान किया। इसके साथ ही पंचायत और ब्लॉक स्तर पर भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाने की बात कही। कार्यक्रम के दौरान एक दूसरे की कलाई पर रक्षासूत्र बांधकर उत्सव की शुरुआत की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि प्रधान उगंता देवी चौधरी सहित संपूर्ण क्षेत्र के कोने कोने से भारी संख्या में नारी शक्ति ने भाग लिया। सभी में महिला समानता दिवस को लेकर खासा उत्साह नजर आया। महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष हेतु विहार दक्षिण के उमा शर्मा, आज का कार्यक्रम महिला शक्ति का और इसमें महिलाओं के द्वारा रक्षा सूत्र बंधा बांधा गया भाइयों के, और इस कार्यक्रम में नए सदस्यता अभियान का कार्यक्रम रखा गया और लहरिया उत्सव मनाया गया ताकि महिलाओं को एक उत्साह और इस संस्कृति में त्यौहार रीति रिवाज जो अपनी संस्कृति को नहीं भूले और इस कार्यक्रम को बड़ा रूप देने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया के आज सभी बहनों का भाइयों का संघर्ष ने लाभ किया है, इसीलिए आज का ये प्रोग्राम रखा था महिला सम्मान समारोह का। सभी महिलाओं से सभी से भाइयों से मैं आशा करती हूँ कि मेरा साथ दें, सहयोग दें। सीमावर्ती जिला जैसलमेर के पुष्करणा न्याय ज्योति जैसलमेर के तत्वाधान में पुष्करणा दिवस 2023 से धूमधाम से मनाया गया। वहीं इस तत्वाधान में पुष्करणा न्याय ज्योति ट्रस्ट के द्वारा अपना सम्मान का शुभारंभ व्यास छतरी पर पौधरोपण के साथ किया गया। इस अवसर पर ओझा ने कहा कि किसी समाज की उन्नति उनके संगठन के साथ होने पर होती है। इस अवसर पर महिलाओं और बालक बालिकाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। निवेदन करता हूं कि दिनांक 26 से लेकर 29 तारीख तक पुष्करणा दिवस का आयोजन किया गया है। समस्त पुष्करणा भाइयों से निवेदन है, भले वो किसी जिले के हो, किसी भी प्रांत के हो, जो भी जैसलमेर में पुष्करणा बंधु निवास करते हैं वो इस प्रोग्राम में 26 से लेकर 29 तक शोभा बढ़ावे। राजस्थान में पहली बार जोधपुर के बरकतुल्ला स्टेडियम में होने वाले राजस्थान क्रिकेट प्रीमियर लीग के मैच से पूर्व विवाद उत्पन्न हो गया है। शनिवार को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत की ओर से हुई प्रेस वार्ता में जहां चयनित पत्रकारों को बुलाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। रविवार को आरपीएल के शुभारंभ के लिए जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्रकारों ने आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत की शिकायत करते हुए ज्ञापन सौंपकर पत्रकार वार्ता का सिस्टम सुधारने की मांग की है। जोधपुर में देवासी समाज का महाकुंभ रविवार को शहर के दशहरा मैदान में आयोजित हुआ। इस महाकुंभ में राजस्थान के साथ साथ पूरे समाज से भी देवासी समाज के लोगों ने भाग लिया। बताया जा रहा है कि लगभग 2 लाख की संख्या में देवासी समाज के लोगों ने अपनी परंपरागत वेशभूषा में रविवार को महाकुंभ में भाग लेने आए। दशहरा मैदान में लाल पगड़ियों से सजा नजर आ रहा था। इस महाकुंभ के दौरान देवासी समाज के नेताओं ने राजनीतिक पार्टियों को अपना दमखम दिखाते हुए बताया कि हम बड़ी संख्या में भी हमें राजनीतिक में हमारी बल संख्या के अनुसार भागीदारी चाहिए, जो पार्टी हमारी बात सुनेगी हम उनके साथ रहेंगे। शिक्षा नगरी कोटा में एक ही दिन रविवार को 2 और कोचिंग स्टूडेंट्स ने आत्महत्या कर ली। मृतक छात्र आदर्श विहार का निवासी था। आदर्श ने टेस्ट में नंबर कम आने के डर से अपने ही कमरे में पंखे से लटक कर मौत को गले लगा लिया। मौके पर पहुंचे पुलिस ने आदर्श के शव को नीचे उतारकर एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल विज्ञान नगर और कुन्हाड़ी थाना पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। बिहार का एक स्टूडेंट है आदर्श, जो नीट की कोचिंग की तैयारी कर रहा था लैंडमार्क में रखे। इसके साथ इसकी बहन और एक कजन, इसका मीर साथ में रहता था। आज इसने जो है वो फंदा लगा के पंखे से और सुसाइड कर लिया। ऐसा बता रहे इसके जो बहन हैं वो कि उसके नंबर थोड़े कम आ रहे हैं, लगभग 250 नंबर ही आ रहे थे, 720 चीज़ें लगा था उससे वो सुसाइड कर लिया। श्रीगंगानगर के साधु शहर में आम आदमी पार्टी की ज्वाइंट मीटिंग जिलाध्यक्ष शंकर मेघवाल की अध्यक्षता में पंचायती धर्मशाला श्रीगंगानगर में संपन्न हुई। मीटिंग में आम आदमी पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष डॉक्टर हरीश रहेजा ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। जिलाध्यक्ष शंकर मेघवाल ने पार्टी का पटका पहनाकर उन्हें सम्मानित किया। डॉक्टर हरीश रहेजा का आम आदमी पार्टी में आना, आम आदमी पार्टी गंगानगर जिले में काफी मजबूत होगी। डॉक्टर साहब एक भले नेक दिल इंसान है, हमेशा गरीबों के काम आते हैं। गंगानगर नहीं, पूरे डिवीजन बीकानेर डिवीजन में इसको पार्टी का फायदा मिलेगा। मैं डॉक्टर साहब का हरीश जी रहेजा को मैं अपनी तरफ से अपने परिवार की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। डॉक्टर साहब का हमारी पार्टी में आना अरविंद जी केजरीवाल साहब का मजबूत होना है और निश्चय रूप से हमारे आने वाले समय में
बिल्कुल आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ी बढ़त मिलने जा रही है, क्योंकि कांग्रेस से ऊपर हमारी आम आदमी पार्टी जी और भारतीय जनता पार्टी के समय मुकाबले में हमारी पार्टी के सदस्य बन रहे हैं। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवदेश टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवदेश टीवी।